हिंदुस्तान में कई सारी भाषाएं चलती हैं। नॉर्थ इंडिया में मुख्य रूप पर हिंदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो हिंदी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर शुद्ध हिंदी नहीं है। अगर हम बोलचाल की भाषा की बात करें तो इसमें उर्दू मिली हुई है, हिंदवी भी इसे कहते हैं, हिंदुस्तानी भी इसे कहते हैं। तो ये जो ज़बान है, ये जो भाषा है, ये एक सिंगर के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का, जो भाषा में, ज़बान में हमारे दिक्कतें आती हैं, इश्यूज़ आते हैं, डिक्शन में, प्रोनंसिएशन में दिक्कत आती है, उसका एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और वो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उर्दू ज़बान हम, या हिंदी ज़बान, या हमारी लैंग्वेज हम कैसे सुधार सकते हैं एज अ सिंगर और एज अ नॉर्मल पर्सन भी। अगर हमारे प्रोनंसिएशन, हमारी भाषा सुधरी हुई हो, हमारा साहित्य मजबूत हो, तो हमारा एक प्रबल प्रभाव पड़ता है किसी भी इंसान पर या हमारी पर्सनालिटी पर। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाओ, बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाओ, खुद से मिलने को मैं कैसे खुदी लाऊं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, या यूं कहें बॉलीवुड, जिसको आम जन जानता है, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि नाम में ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, तो इसके जो गीत होते हैं वो सारे हिंदी में होते हैं ज़्यादातर। और अगर पुराने गीतों की बात करें तो उनमें उर्दू का प्रयोग जो है वो भी हुआ करता था, शुद्ध हिंदी भी होती थी, आज के गीतों में भी होता है। जितने शब्द होते हैं उनमें उर्दू भी है, अंग्रेज़ी भी है, आजकल तो अंग्रेज़ी भी आने लगी है। पहले अंग्रेज़ी का उतना प्रयोग नहीं था, मगर अब अंग्रेज़ी का भी प्रयोग हो चुका है। तो एज अ सिंगर हमारी ज़बान कितनी साफ़ होनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि जिंदगी का साथ निभाता चला गया, साहिर लुधियानवी साहब का ये हम गीत गाते हैं, तो हम उसे जिंदगी गाएं न कि जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये एक दिक्कत आती है। या हम कहते हैं कि शाम सवेरे, तो हम कहते हैं शाम सवेरे, यानी श और स की दिक्कत आती है। ऐसे ही कई सारे वर्ण हैं, कई सारे शब्द हैं जिनमें उच्चारण की हमारी जो समस्या है वो बनी रहती है एज अ सिंगर और एज अ नॉर्मल पर्सन भी, है ना। क्योंकि डिक्शन पर, प्रोनंसिएशन पर बहुत कम लोग गौर करते हैं और इसको इम्पॉर्टेंट भी समझते हैं। तो आज जो मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ वो बड़ा सिंपल सा है। मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है, आज मैं दोबारा बताता हूँ हमारी नई ऑडियंस के लिए, और थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाएगा पुरानी ऑडियंस के लिए। इंस्टाग्राम पर एक मैंने पेज का निर्माण किया, कुछ मुकर्रर इत्तेफाक। ये पेज मैंने शुरू किया था तब इस पर मैं अपनी पोएट्री अपलोड किया करता था, लिख कर, बोल कर, पढ़ कर, रेसिटेशन वीडियोस हुआ करते हैं, रिटर्न भी होते हैं, गज़लें, गीत होते हैं, शेर होते हैं, रुबाइयां होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैं उस पर अपने अपलोड किया करता था। तो धीरे धीरे, क्योंकि मैं भी उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान में और रिसर्च कर रहा था, सीख रहा था, तो रेख्ता, जैसा कि मैंने कई बार एग्जांपल दिया, रेख्ता.org एक वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे मेरा तारुफ हुआ, इससे मेरा परिचय हुआ, तो मुझे मालूम चला कि वर्ड्स के ओरिजिनल स्पेलिंग्स क्या होते हैं, प्रॉपर प्रोनंसिएशन क्या होते हैं, प्रॉपर मीनिंग क्या होते हैं, उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं, उनके रियल मीनिंग क्या होते हैं, ये सब मैं धीरे धीरे जाना, मैंने समझा, गज़लों को पढ़ा, तो वहाँ से मेरी वर्ड्स की नॉलेज कह लो, प्रोनंसिएशन की नॉलेज कह लो, स्पेलिंग्स की नॉलेज कह लो, वो काफ़ी इम्प्रूव हुई हिंदी में भी और उर्दू में भी। तो मैंने कुछ मुकर्रर इत्तेफाक, जो मेरा पेज है इंस्टाग्राम का, उसको मैंने एक माध्यम बनाया कि क्यों ना इस पर सिर्फ मैं अपनी पोएट्री ही ना डालूं और साथ ही साथ ऐसा भी कुछ पोस्ट करूं जो लोगों के काम आए, क्योंकि मेरी जो फितरत है वो आप सभी जानते हैं, सिखाने की है, मदद करने की है, कि मुझे जो कुछ भी मिलता है मैं बांटना शुरू कर देता हूं। तो जो उर्दू का, जो शब्दों का नॉलेज था वो मैंने बांटना शुरू किया इस पेज के माध्यम से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उस पेज का एक ग्लिम्स है। नीचे आप देख सकते हैं कि मेरी लिखी हुई कई सारी चीज़ें हैं, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये पेज आपको बताने की इसीलिए ये जो शुरुआत करी है, ये इसीलिए करी है कि इसमें जो आपके सीखने के लिए है, वैसे तो मेरा लिखा हुआ भी आप पढ़ेंगे तो ठीक है, वो कुछ टूटा फूटा जैसा भी आपको पसंद आए, अच्छा लिखता हूँ, बुरा लिखता हूँ, वो आप बता देंगे। बाकी मैं इसमें रेसिटेशन वीडियोस भी डालता हूँ, कुछ मेरे वीडियोस होते हैं जिसमें मैं रिसाइट कर रहा हूँ गज़लों को, कुछ मेरे वॉइस ओवर्स होते हैं। बाकी जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के जानने की, वो है इस पेज की हाइलाइट्स। जब आप इस पेज की हाइलाइट्स देखेंगे तो वहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि समध्वनिक शब्द
होमोफोन्स, जैसे कि कॉमन मिस्टेक्स, जैसे कि पांच जो लफ्ज़ हैं, पांच जो एक्चुअली में अक्षर हैं, जो साउंड्स हैं जो उर्दू में होते हैं और हिंदी में नहीं होते हैं, जैसे कि क क ख ख ग घ ज ज और फ फ। ये हर के साथ एक नुक्ता लग के एक नया अक्षर बनता है जो हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में अगर क होगा तो क ही होगा, ख नहीं होगा, ख होगा तो ख ही होगा, ख नहीं होगा, ग नहीं होगा, ज नहीं होगा और फ नहीं होगा। ये पांचों साउंड्स जो हैं ये हमारे ज़्यादातर उर्दू में ही पाए जाते हैं, या जिसे हिंदुस्तानी भाषा है, मिक्स्ड लैंग्वेज है, और ये किसी धर्म से लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ उससे भी इसको मत जोड़िएगा। ये हमारी ज़बान है, ये हमारी भाषा है, इसका किसी भी और चीज़ से लेना देना नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन से लेना देना। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज अ सिंगर हमारी ये ज़बान जो है काफ़ी कमज़ोर रहती है। हम काफ़ी सारे शब्द हैं जो गलत बोल देते हैं, तो उनको हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक ये थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी अगर इस पेज को आप फॉलो करें या ना भी करें, मगर इसकी हाइलाइट्स, इसकी दी हुई चीज़ों को आप पढ़ें, समझें, जाने। तो अब क्या होगा, कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने हाईलाइट बनाई है उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम गलत बोलते हैं, उमूमन ज़्यादातर हम उन्हें गलत ही प्रोनाउंस करते हैं, उसके करेक्ट प्रोनंसिएशंस इसमें मिलेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ रॉन्ग वाले प्रोनंसिएशन है और यहाँ राइट वाले प्रोनंसिएशन हैं, दोनों मौजूद हैं। उसके बाद आप देखेंगे समध्वनिक शब्द, तो उर्दू के होमोफोन्स हैं ये, होमोफोन्स समध्वनिक शब्द, यानी दोनों साउंड सेम करते हैं लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग है। जैसे अक्सर हम बोलते हैं ना, ये काम बाकी है, ये बाकी, ये जो शब्द हम बोलते हैं जहाँ पे क में हम नुक्ता नहीं लगाते हैं, उस बाकी का अर्थ होता है, जैसे कि आपने शब्द सुना होगा बेबाक, यार ये तो बड़ा बेबाक बोलता है, तो वाक, वाक देवी हम सरस्वती को, माँ शारदा को कहते हैं वाक देवी, यानी वाणी की देवी, तो ये वाक से बना है बाक, ये उसका अपभ्रंश मान लीजिए बाक, तो बेबाकी, बे यानी बिना, तो बिना झिझक के, बिना डर के बोलने की क्षमता हो, जो खुला बोले है, जो बोल्ड बोले, उसे बेबाक कहते हैं। और जो हम जिस शब्द की बात कर रहे हैं बाकी, वहाँ नुक्ता लगता है बाकी, वो क हल्का सा आपका हलक का साउंड है वो। अब वो कैसे आएंगे साउंड, जिस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि ये नुक्ते जो अगर हमें बोलने हो तो कैसे आएंगे। लेकिन इस पेज की मदद से आप वो वर्ड्स सीख सकते हैं, है ना, क्योंकि वर्ड्स ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैं खुद लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे मालूम चलता अच्छा आज तक मैं ये गलत बोलता आया था शब्द, जैसे कि ये है, जैसे कि हम बोल देते हैं गायब, वो गायब हो गया, तो गायब नहीं गायब होता है। हमें ये तो मालूम चल जाएगा कि इनके करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या है, नुक्ता कैसे बोला जाता है, लेकिन हम शब्द कौन सा सही है कौन सा गलत है वो नहीं पहचान पाएंगे। उसके लिए हमें डिक्शनरीज देखनी पड़ती हैं कि नहीं इसे ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है, जैसे अंग्रेज़ी में हम प्रोनंसिएशन सुधारते हैं कि नहीं स्कूल नहीं होता है स्कूल होता है, तो ये कुछ प्रोनंसिएशन से जो उर्दू हिंदी के भी हमें सुधारने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम शाम बोलेंगे तो वो शाम नहीं है, श्याम बोलेंगे तो वो श्याम है श्याम नहीं है, हैं, या निषाद बोलेंगे तो उसमें एक तीसरा श है षटकोण वाला, तो इसके लिए बारह खड़ी का रियाज होता है, उस पर भी सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, जहां आप हिंदी की वर्णमाला का अभ्यास करके, उन सारे अक्षरों का, उन सारे व्यंजनों का, स्वरों का अभ्यास करके अपनी ज़बान को हिंदी में भी साफ़ कर सकते हैं और इस पेज की मदद से उर्दू में भी साफ़ कर सकते हैं। पांच अलग हाइलाइट्स मैंने पर्टिकुलर इन्हीं पांच अक्षरों पे बनाई है, जिसमें कि हम क से बोलने वाले शब्द जानते हैं जो कि हम नहीं सही बोलते हैं क्योंकि वो क के नहीं वो ख के होते हैं, जैसे कत्ल, तो वो कत्ल नहीं कत्ल होता है, वो फसाना होता है, जैसे हम कहते हैं किसी को फांस लेना तो वो फ है, और कहानी स्टोरी सुनानी होती है तो कहते हैं फसाना, जैसे आपने सुना कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, ये कमर जलालवी की ये गज़ल है जो आशा जी ने गाई है, गुलाम अली साहब ने भी गाई है, है ना, बहुत पहले नूरजहाँ ने भी गाई थी, मैडम नूरजहाँ ने भी गाई है। तो बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम गलत बोलते हैं, इसीलिए इस पेज की आपको आवश्यकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी अपनी रिसर्च है जो मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, कि ये वर्ड्स आप भी नोट करें और आप भी याद रखें, सजग रहकर इनका प्रोनंसिएशन करें। अगर आप बोलते हैं ये काम बाकी है तो बाकी है होगा, वो बाकी नहीं होगा, तो यही है कि वो के नहीं क्यू है, है ना, कि वहाँ के नहीं लगेगा, तो ये स्पेलिंग्स लिखने में भी आप थोड़ा सा इसको सुधार सकते हैं। भले ही कोई मुझे अब यूँ बोले कि यार ये तो, जैसे कहते हैं ना यार ये तो ग्रामर नाजी है या ये नर्ड है, ऐसे कुछ शब्द भी आते हैं ऐसे लोगों के लिए जो ज़बान पर बड़ा गौर करते हैं कि यार यार ये तो कुछ ज़्यादा ही शुद्ध बोल रहा है। एज अ सिंगर हमारी ज़बान न्यूट्रल होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। किसी भी रीजनल लैंग्वेज का अगर टच हमारी ज़बान पर आ रहा है तो एज अ सिंगर वो हमें ऑब्स्टेकल है,
क्योंकि अगर आपको कहा जाए, मैं छोटा सा किस्सा सुनाऊं, तो लता जी का मैंने एक किस्सा सुना था, जावेद अख्तर साहब ने एक इंटरव्यू में अपने बताया कि लता जी जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी जबान में मराठी का टच था क्योंकि वो एक मराठन है, तो उनको काफ़ी सारे गीतकारों ने कहा यार ये कैसे हिंदी गाने गाएगी, इसकी जबान में तो मराठी का टच है। उन्होंने प्रॉपर एक उर्दू ट्यूटर रखा और प्रॉपर उर्दू सीखी, जबान साफ की, तभी आज जाके हम उनके गीत जो हैं इंजॉय कर पाते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप सीखेंगे, जैसे बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, हम फिर नहीं बोलते, हम फिर बोलते हैं, ज़्यादातर बोल देते हैं, तो वो फिर नहीं होता है, वो फिर होता है। और ये प्रोनंसिएशन, इस तलफ़्फ़ुज़ पे हमें काम करना एज अ सिंगर भी और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी ज़रूरी है। तो अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा है कि ये छोटी सी बारीकी है जो आपको एज अ सिंगर साइडलाइन कर देती है, क्योंकि यही छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। जब जबान साफ होती है तब सुनने में आप गज़ल गाना चाह रहे हैं तो और ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि गज़ल में तो ये बहुत सारे शब्द ऐसे इस्तेमाल होंगे जो आप बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ जायज़, तो ज और ज दोनों इस्तेमाल आ रहा है, जहाज़ तो ज और ज दोनों इस्तेमाल आ रहा है ना, लेकिन हम बोल देते हैं मिजाज, ये तो मिजाज है हमारा, जबकि वो मिजाज होता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ शब्द हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है, जिनकी, जैसे हम ख्याल बोलते हैं, हम ख्याल गायकी कर रहे हैं, है ना, जब हम रागों को गाते हैं तो उसमें ख्याल आता है, ख्याल नहीं आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे शब्द हैं जिसे हम कह देते हैं ये तो हमने, ये हमने कागज़ भी नहीं बोलते हैं, कागज़ बोल देते हैं, या कागज़, तो दोनों नुक्ते नहीं लगाते हैं, कागज़ होता है ना। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको इस पेज की मदद से आपको सीखने को मिलेंगे। मैं कुछ ना कुछ टिप्स इसमें डालता रहता हूँ, ऐसी उर्दू से रिलेटेड हैं, हिंदी से रिलेटेड भी हैं, है ना। अगर हमें श स का फ़र्क करना हो, जैसे फ़र्क ये शब्द है, इसमें क में नुक्ता लगता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे सीखी, मैंने पढ़ पढ़ के सीखी, साहित्य पढ़ के सीखी। तो आप लोग भी साहित्य पढ़ें, रेख्ता का सहारा लें, और भी अच्छी अच्छी जगहें जहाँ हम ढूंढ सकते हैं। उमूमन क्या है कि गूगल पर करेक्ट प्रोनंसिएशन नहीं मिलता है, इसीलिए मैं रेख्ता पर थोड़ा ट्रस्ट करता हूँ कि वहाँ थोड़े से करेक्ट प्रोनंसिएशन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो बाकी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, उसे सर्व कीजिए पेज को, उसे ढूंढिए, फॉलो कीजिए, जानिए, सीखिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल। कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, नया, कुछ अलग, जो आम लोग संगीत में नहीं देख पाते हैं, वैसी कुछ बातें मैं आपको दिखाता रहूंगा। शुक्रिया।